Good morning, children. Welcome to your English PA. Children, today I am going to teach you one new topic in your English. Okay? And today what I am going to teach you is on, in, and under. Okay? On, in, and under. Okay, first of all, let me explain you what is on, in, and under. Okay? Children, on, in, under का मतलब होता है कि कोई पोजीशन प्लीज बताना, है ना? ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ओके? जस्ट लाइक दिस हियर, ऑन, कैन यू सी दिस बुक? ओके, नाउ व्हाट आई एम कीपिंग ऑन दिस बुक, ये बुक के ऊपर मैंने क्या रखा? ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ओके? नाउ व्हाट इज देयर ऑन द बुक, व्हाट इज देयर ऑन द बुक? Marker, pen, okay, there is a pen on the book, there is a pen on the book, okay, like that only. Can you see this chalk? Can you see this board? Okay, now where is the board? Where is the board? The board is on the log, the board is on the log, okay, like a board or dog, whatever you mean. Okay, now see the dog. Is on the log, है ना? ये dog जो है ये log के ऊपर है ना? Okay, now what we are going to say, the dog is on the log. The dog is on the log. MTT का password 128. The dog is on the log. इसका मतलब ये dog कहाँ पर है? On the log. Log के पर, है ना? तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे? ऑन. मैम आपको एग्जाम में से डैश देगी, ओके? और मैम विल आस्क यू इन, ऑन, अंडर. सबसे पहले हम आज क्या पढ़ रहे हैं? ऑन, ओके? ऑन का मतलब होता है ऊपर, ओके? नाउ चिल्ड्रेन, आई विल शो यू दिस, है ना? जस्ट सी दिस, वन मिनट, है ना? वेट चिल्ड्रेन, आई विल शो समथिंग टू यू. Can't see. Okay, now see your children. Can you see the books? Can you see the books? Now, where is the book, children? Where is the book? The book is on the desk. The book is on the desk. Okay, now show me where is the purse. Where is the purse? The purse is on the table. The purse is on the table, you know? ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर. जस्ट रिमेंबर, ऑन मींस ऊपर, ओके? वेयर डू यू कीप द बुक? हाँ, आप बुक कहाँ रखते हो? टेबल के ऊपर. सो हाउ टू से द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल. नाउ कैन यू सी दिस कैट? ओके, कैट भी है और मैट भी है. वेयर इज द कैट? Where is the cat? Where का मतलब होता है कहाँ? Cat कहाँ पर है? Where is the cat? The cat is on the man. Okay? The cat is on the man. The cat is on the man. Remember to bring the cat कहाँ है? टेबल के ऊपर. बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर. सो वेयर इज द बुक? द बुक इज, ओके, द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहाँ है?
टेबल के ऊपर. द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल, है ना, बुक टेबल के ऊपर है. तो हमें कैसे बोलना होता है, हाउ वी शुड से द बुक इज ऑन द टेबल. ओके, द बुक इज ऑन द टेबल. द बेटा की स्पेलिंग भी आ गई आपको, बुक की स्पेलिंग भी आती है. द बुक एक ऊ सा बुक है ना, आई टॉक यू ऑलरेडी टॉच ऑफ ऊ सा बुक को ग्लोक बुक नो है ना. द बुक इज ऑन द टेबल. इन योर क्लासरूम थिंग्स यू हैव लर्न्ड द स्पेलिंग ऑफ टेबल इज इट, है ना. क्लासरूम जो आइटम्स होते हैं उसके ऊपर आपने टेबल की स्पेलिंग पढ़ी है ना. द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. चिल्ड्रन टुडे ओनली दिस मच आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन, है ना. ऑन का मतलब होता है ऊपर. ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, है ना. ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रखना. ओके, द बुक इज ऑन द टेबल. राइट, गॉट इट चिल्ड्रेन. सो वॉच दिस वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू ओनली अंडरस्टैंड ऑन. Only thought, and tomorrow we are going to learn in and under. Thank you, children. Goodbye.